दो दिनों पहले करीब एक दर्जन आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ था, जिसमें महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ का भी तबादला किया गया था। उनके जगह आगरा ईस्ट के आईपीएस 2017 बैच के अधिकारी सुमित मीणा सर को नई जिम्मेदारी मिली है। सर, आज आपने महाराजगंज में पहुंचकर चार्ज लिया है, क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? चूँकि महाराजगंज जनपद जो भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, ऐसे में सीमा खुली है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, अभी आगामी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसके मद्देनज़र भी रणनीति बनाई जाएगी। और जैसा आप बता रहे हैं कि सीमा सुरक्षा संबंधी विषय भी है, तो उन पर भी एसएसबी के साथ में वार्ता करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए आगामी कार्रवाई की जाएगी। और खुफिया तंत्र को इसमें मजबूत किया जा रहा है। अभी क्योंकि मेरे पास में बहुत सतही सूचनाएं हैं, इसमें और गहराई से जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा पीड़ितों की तत्काल सुनवाई हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और महिला उत्पीड़न संबंधी, बच्चियों और बुजुर्गों से संबंधित जो भी प्रकरण सामने आएंगे, उनमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए महाराजगंज के नवागत पुलिस अधीक्षक थे, जिन्होंने बताया है कि जो उनकी प्राथमिकता रहेंगी, वो कैसे कार्य करेंगे, साथ ही जो पीड़ित हैं उनको त्वरित न्याय मिले, इसके लिए भी वो सख्त कदम उठाएंगे। महाराजगंज से भारत 24 के लिए नवीन प्रकाश मिश्रा।